खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन देने के मामले में कनाडा के पीएम ट्रूडो का यह रवैया पहली बार ऐसा है कि सामने नहीं आया। इससे पहले भी पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई थी कनाडा में, उसके बाद तुरंत कनाडा पीएम ने अब सीधे आरोप लगा दिया कि इसमें भारत का हाथ है। उस वक्त भी डिप्लोमेट निकाले गए थे भारत से, कनाडा ने भी भारत के डिप्लोमेट को निकाला था। और अब जब सीधे सीधे चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कनाडा ने कहा कि जो हाई कमिश्नर हैं वो संदिग्ध हैं, जिसके बाद से भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कमिश्नर को न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर भारत में उन्हें भी अल्टीमेटम दिया है, 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप देश छोड़कर चले जाइए, निकल जाइए। सवाल है कि अब आगे क्या, समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे। सुरेंद्र सिंह लाली हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और AK मिश्रा हैं वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र जी, अब आगे क्या, और सवाल है कि क्या ट्रूडो के लिए खालिस्तानी वोट बैंक के लिहाज से ही, क्योंकि अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव है तो चुनाव से पहले एक कोशिश है कि हम एक वोट बैंक को क्यों ना हम सहेज लें इस तरह की कोशिश करके। दीपक जी, हिंदी में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इस मंद बुद्धि इंसान को कोई समझाए कि 2% तो कनाडा में हिंदुस्तानियों की आबादी है, उस वोट बैंक की छोटी और ओछी राजनीति के लिए इसने दो डेमोक्रेसीज, दो एलाइज, दो अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क, दो इतना बड़ा डायस्पोरा के रिलेशनशिप को इसने बिल्कुल नीचे ला के खड़ा कर दिया है। और दीपक जी, भी और भी नीचे जाएगा, क्योंकि जब तक ये इंसान कुर्सी पे बैठा रहेगा ये बाज नहीं आएगा। लेकिन दीपक जी, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं है, ये इसके पिता श्री की भी थी। पीयर ट्रूडो को उस जमाने में इंदिरा गांधी जी ने एक्सट्रेडिशन के लिए कुछ लोगों के बारे में बोला, परमार के बारे में, उसने नहीं किया। उज्जल दुसंज हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कि मूलतः भारतीय हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि कनाडा के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी कि कहीं इन्होंने बाहर जाके शहर से बाहर धमाका किया है। उस समय अगर पीयर ट्रूडो ने ये इस बात का संज्ञान लिया होता तो आज 329 भारतीय ह्यूमन बींग्स, जिसमें 84 से ऊपर बच्चे थे और कनिष्क बॉम्बिंग में हमारा प्लेन ना गया होता। 20 साल तक ये उस चीज को अदालत तक नहीं ला पाए। अब ये छोटे साहब आए हैं, अब इनको कौन समझाए कि भाई इस समय इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, आपका नेचुरल एलाई भी है, आप उससे रिश्ते बनाएं, क्योंकि इस समय हिजबुल्ला और पैलेस्टाइन और उस तरह की प्रॉब्लम चल रही है और ये साहब बहादुर ने अपने छोटी राजनीतिक गेन के लिए वो कदम ले लिया जो हम अक्सर पाकिस्तान के लिए भी वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब पाकिस्तान से हमने लाश अपने एम्बेसडर साहब को बुलवाया था, आज तक हिंदुस्तान ने किसी भी G7 या G32 की कंट्री से आज तक हमने अपना एम्बेसडर विड्रॉ नहीं किया। इसने तो रिश्तों को इतना नीचे ले जा रहा है और निरंतर ले जा रहा है कि इसमें ये हमारा तो छोड़िए अपना नुकसान सबसे ज्यादा कर रहा है, क्योंकि कनाडा डेवलप्ड इकॉनमी और ये इसे वापस पाकिस्तान के रास्ते पे ले जा रहा है। मैं अक्सर बास दफा आपके डिबेट पे कहता था कि ये कनाडा को पाकिस्तान बना के छोड़ेगा। आज इस साहबजादे ने सबूत दे ही दिया है। प्रदीप जी, एक बात और कहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा बाकी पैनलिस्ट बोले, क्योंकि इसमें एक दो चीजें और भी है कहने को। इसमें देखिए, गेम के पीछे अमरीका भी है, क्योंकि ये 5S इंटेलिजेंस उसको अमरीका ही देता है और वो ही इसको एज अ पोस्टर बॉय, एज अ विंग मैन बना के आगे लड़ाता है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है जहां पे अमेरिका हिंदुस्तान की इस नई फॉरेन पॉलिसी से इतना खुश नहीं है कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। ना हम उनकी कोल्ड वॉर में घुसना चाहते हैं, ना हम उनके रशिया से दुश्मनी करेंगे उनके कहने पे, और ना हम इसराइल की गोदी में जाके बैठेंगे। हमारी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और हमारा अपना वो है। तो कहीं ना कहीं मैं बात को जो कहना चाह रहा हूं उसका लबा लबाव ये है कि इसके पीछे से ये खेला अमेरिका खेलता है और ये साहब बहादुर अपने छोटे गेन के लिए इन्होंने दो
इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रहे इकोनॉमीज के, इसने बिल्कुल उसको नीचे लाके छोड़ दिया है। ठीक है, अब वो देखो आज आज हमारे तीन लोग भी हिंदुस्तान से गए हैं, पन्नू का भी जो केस, उसमें मैं सेकंड हाफ की डिबेट पे आऊंगा जी, कि ये सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है जिसमें मैं जिसको अक्सर कहता हूँ कि कोल्ड वॉर 2.0 है, जिसमें रशिया चाइना एक कैंप है और अमेरिका और उसके जो नेटो है वो एक कैंप है। अब दुनिया में क्योंकि हिंदुस्तान बढ़ रहा है तो हर बंदा चाहता है कि ये हमारे साथ चले, हमारी गोदी में बैठे, जो कि हम बैठना नहीं चाहते। बस मैं पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा। ठीक है, एके मिश्रा जी, इलाज फिर क्या है कनाडा का? देखिए साहब, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। आज़ादी के बाद से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। पाकिस्तान हमारे जवानों को मारता रहता था, क्या क्या चीज़ें होती थी, हम केवल डायलॉग करते थे जी, हम केवल अमन की यात्रा चमन की यात्रा करते थे। इंटरनेशनल लेवल पे जो जवाब देना चाहिए था, पहली बार दृढ़ संकल्प के साथ इस सरकार ने किया है, लाखों बधाइयां इस सरकार को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये सही किया कि गलत किया, दिस इज द लास्ट स्ट्रा ऑन कैमल हस्क, कैमल बैक टू ब्रेक इट, ऊंट की कूबड़ को तोड़ने के लिए ये अंतिम तिनका भारत सरकार और मोदी ने रखा है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये देखिए, 75 साल में पहली बार ये ग्लोबल मैसेज गया है। क्यों गया है, लॉजिक देखिए। कई लोग द डेली दलाल टाइम्स के जो पत्रकार हैं सिद्ध करेंगे जी बिजनेस का बड़ा नुकसान होगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया जंग और मोहब्बत में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और क्या बिजनेस का नुकसान होगा, इंडिया और कनाडा का बाइलेटरल ट्रेड 9.4 यानी 10 बिलियन डॉलर आप मान लीजिए एनुअल, टाटा 150 बिलियन, रिलायंस 100 बिलियन, 2500 ऐसी कंपनियां जो 100 बिलियन से ज्यादा एनुअल टर्नओवर। नुकसान तो ज्यादा कनाडा को ही होगा। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ पॉइंट पॉइंट बाई पॉइंट। उनकी इकोनॉमी 2.4 ट्रिलियन, हम 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गए हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे जितने वहां पे भाई पड़े हैं मैक्सिमम हम उनको वापस बुला लेंगे, अपने पंजाब में कोई कम खूबसूरती नहीं है, लहलहाती फसलें सारी चीजें हैं। तो कनाडा अभी अलग थलग पड़ जाएगा। और एक चीज आप और देख लीजिएगा, अमेरिका पैसे कभी नहीं देता है, व्यापार करेगा कनाडा, उसको इस युद्ध में जो पड़ा है ना, अगर उसको जरूरत होगी तो कनाडा पैसे दे तब अमेरिका सर्विसेज या हथियार देगा। तो कनाडा की तो इकोनॉमी, अगर ये रिलेशन ठप हो गया तो वहाँ पे जितने इंडियन है मेजर कंट्रीब्यूटर, केवल कनाडा नहीं, अगर अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह से भी इंडियंस को निकाल लिया जाए तो उनकी सर्विसेज, मेडिकल और ये सब सर्विसेज उनकी ठप हो जाएंगी साहब। तो इतना बड़ा नुकसान कनाडा झेलने जा रहा है। और मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके डिसीजंस, इसके जो अंतिम रिजल्ट आएंगे ग्लोबल, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि इंडिया से पंगा लेना, इंडिया का साथ छोड़ने का मतलब क्या होता है, जो पाकिस्तान का हुआ, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, आटा नहीं है दाल नहीं है, यही हाल कनाडा का होने वाला है। और खालिस्तान अब वहां बनेगा, ये जितने उछल रहे हैं ना है। एक चीज और सोच लीजिए, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म होने का मतलब सारे लोग आ गए यहां से, इसके बाद भारत स्वतंत्र रहेगा कुछ भी करने के लिए, कोवर्ट ऑपरेशन, एक्सट्रोवर्ट ऑपरेशन, इंट्रोवर्ट ऑपरेशन। एक लाइन और सुन लीजिएगा साहब, ये अभी बोलेंगे दलाल स्ट्रीट, द डेली दलाल स्ट्रीट टाइम्स के जी ये तो गड़बड़ हुआ बाइलेटरल। अरे चाइना का एग्जांपल लो, हुवेई कंपनी की बेटी जो जासूसी में शामिल थी कनाडा ने गिरफ्तार किया, चाइना ने तुरंत 2 कनाडा के डिप्लोमेट को गिरफ्तार कर लिया और बार्गेन करके उसको छुड़वाया तब इनको दिया, और चाइना ने झूठे आरोप लगाए थे कनाडा के डिप्लोमेट के ऊपर, और यहाँ कनाडा हमारे भारत के डिप्लोमेट्स का एक भी इतिहास, एक भी वाकया नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि उनका बिहेवियर संदिग्ध रहा हो या वो जासूसी में पकड़े गए हो। ठीक है, तो इसको चलने दीजिए, देखिए जरा आगे आगे देखिए अंजाम होता क्या है। ठीक है, रत्नाकर जी और जंग दोनों कैसे होती है भारत सिखाएगा। रत्नाकर जी, कनाडा को तो हम जवाब दे रहे हैं और बहुत करारा जवाब दे रहे हैं, और आगे और भी जवाब दिया जाएगा। अगर खालिस्तानी आतंकियों के साथ अगर उनकी मोहब्बत, उनका ये प्यार और ज़्यादा दिखेगा तो उसकी उसका इलाज भारत कर सकता है और बहुत मुकम्मल तरीके से करेगा। लेकिन सवाल है कि हमारे घर में अगर खालिस्तानियों के प्रति प्यार जताने वाले लोग हैं, नेता हैं, उनका इलाज कैसे होगा? अमृतपाल सिंह तो चुनाव जीत जाता है, सरबजीत सिंह खालसा चुनाव जीत जाता है, ये भी एक संदेश है, ये भी एक चेतावनी है कि भाई
आप जो खत्म हो चुका था यहां पर, वो यहां पर कैसे पैर पसारने लगा, कैसे सर उठाने लगा? देखिए, जो आज खालिस्तानी जो पैर पसार रहे हैं या जो उनके समर्थित चुनाव जीत के आ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उनको आगे भी जिस तरह से उनका मंशा है, और जनता जब जाहिर होगा तो जनता उसको आने वाले समय में बिल्कुल जवाब। रही बात आपने कि हमने जो आपने कहा कि हम जवाब दे देंगे, आज परिस्थिति ग्लोबली परिस्थिति ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है कि आज हम पूरी तरह से सक्षम है इस तरह के जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं भारत के खिलाफ, उसको जवाब देने। आपने देखा कि किस तरह से वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने छद्म राजनीतिक लाभ के लिए और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो है डिप्लोमेट्स वहां पे षड्यंत्र रच रहे हैं, उस पर शंका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना रिएक्शन दिया है, निश्चित रूप से एक बड़ा ग्लोबल मैसेज जा रहा है। और देखिए, मैं दूसरी चीज में कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपने देश को सर्वोपरि मानना चाहिए, जैसा कि हम मानते हैं यहाँ पे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक लाभ के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जगमीत सिंह जिसके नेता हैं, उसका समर्थन हासिल करने के लिए इस तरह का जो है स्टेप्स उठा रही है, इस तरह की बयानबाजी कर रही है और झूठे आरोप लगा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये उनके देश को और उनकी राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उनको क्षति पहुंचाने वाली है। हमारे हम तो आपने अभी सुना ना किस तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हमारा बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से अपनी अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए ग्लोबली छवि जो हमारा जो खराब कर रहे हैं उस पर प्रहार जो हो रहा है उसको स्ट्रांग करने के लिए हम इस तरह से कड़े एक्शन लेंगे। भले हमें उसके लिए यहाँ के उनके राजनयिक जो है उनको छह राजनयिकों को निकालना पड़े, लेकिन हम लेंगे, क्योंकि हमारी मंशा जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि भारत के प्रति जो झूठे आरोप लगाएगा, जो बेबुनियाद आरोप लगाएगा, जो यहाँ देश विरोधी लोग हैं जो कनाडा में है या खालिस्तानी समर्थित लोग हैं जो कनाडा में है उनका समर्थन करेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर एक्शन लेगी ही लेगी। और नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि भारत में रहकर अगर किसी खालिस्तान का कोई समर्थन करता है और उसका इलाज क्या है फिर? और कहीं ना कहीं वो कनाडा से ही उसका सपोर्ट है, इसलिए पंजाब में हाल के दिनों में ये देखा गया है वारिस पंजाब या इस तरह के संगठन फिर से खड़ा उठ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जुलूस रैली के शक्ल में देखा जा रहा है कुछ इलाकों में। क्या आपको लगता है कि यहाँ के भी कुछ सियासतदान हैं जो वोट बैंक के चक्कर में इनसे प्यार कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। यहाँ पे भी कुछ पार्टियां हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी जस्टिन ट्रूडो के राह पे ही चलती हैं और वो चाहती हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह से अगर जो खालिस्तान समर्थित माइंडेड लोग हैं भारत में उनका वोट उन्हें मिले, तो निश्चित रूप से वो इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल रहती है। फॉरेन फंडिंग भी उनको मिलता है उनकी पार्टी चलाने के लिए। लेकिन भारत सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है, मैं पूरी करूं बात, भारत सरकार कड़ी